नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा मॉडल एक्ट लागू कर दिए जाने के कारण तुलावटी और हम्मालों में काफी रोष व्याप्त है, क्योंकि इस एक्ट के कारण तुलावटी और हम्माल पूरी तरह से बेरोजगार होने की कगार पर आ रहे हैं। इस एक्ट के अंतर्गत किसानों को मंडी में अनाज ना बेचकर सीधे व्यापारियों को माल बेचने का प्रावधान है, जिसके चलते मंडी में कार्यरत तुलावटी और हम्माल प्रभावित हो रहे हैं। इसी समस्या को लेकर आज करेरा गल्ला मंडी के तुलावटी और हम्मालों ने SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से इस एक्ट को वापस लेने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 1 जुलाई तक उक्त एक्ट वापस नहीं लिया गया तो सभी तुलावटी और हम्माल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ज्ञापनदाताओं में तुलावटी कृषि कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष रंजन शर्मा, सुनील मिश्रा, मनोज पाठक, प्रमोद भार्गव, उमा शंकर साहू, मान सिंह आजाद, गजेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, कैलाश आदि समेत भारी संख्या में तुलावटी व हम्माल मौजूद रहे। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये जो मॉडल एक्ट मंडी पर लागू किया जा रहा है, इससे हम लोग तुलावटी लोग प्रभावित किए जा रहे हैं। शासन ने आदेश दिया है कि व्यापारी कहीं भी किसान का माल ले सकता है, तुला सकता है, लेकिन टैक्स फ्री किया गया। हम लोग कम से कम पूरे कार्यकाल इसी मंडी में किया है। आज जो है हम लोगों की भूखों मरने की उपस्थिति आ रही है। और ये जो BJP की गवर्नमेंट है, ये केवल व्यापारियों की गवर्नमेंट है, ना कि मजदूरों, उद्योगपतियों की, ना कि मजदूरों की। और इसका हम घोर विरोध करते हुए 1 तारीख से अनिश्चितकालीन तक 1 जुलाई से लेके आमरण अनशन पर बैठेंगे। क्या नाम है आपका? रंजन शर्मा। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है साहब कि ये मॉडल एक्ट लागू करके मंडियां बंद कर रहे हैं, बाहर टैक्स फ्री कर रहे हैं, बाहर मंडी खरीदवा रहे हैं। हम लोग करेंगे क्या? यहाँ भूखों मर जाएंगे मजदूर। हम लोग अब कहीं के रहे नहीं है, ये है चक्कर। तो इसके लिए आप क्या क्या प्रक्रिया कर रहे हैं? इसके लिए हम पहले तो आवेदन देकर सूचित कर रहे हैं, इसके बाद जो है हम 1 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए करेरा से संजय गुप्ता, बिलैया की रिपोर्ट।